स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है आज की मॉर्निंग न्यूज का, जिसमें हम जानेंगे आज की बड़ी और ताजा खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों का सिलसिला। राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा और मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव आज यानी 13 नवंबर को कोटा आएंगे। बता दें कि वे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बेटी के शादी समारोह में शामिल होंगे। जिले में 84 विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए आज यानी 13 नवंबर को मतदान होगा। बता दें कि इसके लिए बीते दिन मंगलवार को फाइनल ट्रेनिंग के बाद मतदान दलों को सुरक्षा के बीच रवाना कर दिया गया है। यहां 251 मतदान दलों के साथ 2000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। बुधनी विधानसभा उपचुनाव के चलते कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण सिंह ने आज यानी 13 नवंबर को मतदान दिवस पर सवैतनिक अवकाश घोषित किया है। बता दें कि इसके तहत दैनिक मजदूर आकस्मिक श्रमिकों को भी मतदान के दिन अवकाश घोषित किया गया है। मुंगेर विश्वविद्यालय में 14 से 21 सितंबर तक आयोजित होने वाली स्नातक पार्ट एक बैकलॉग सब्सिडियरी की परीक्षा बाढ़ के कारण स्थगित की गई थी। बता दें कि ये परीक्षा अब आज यानी 13 नवंबर से नए कार्यक्रम के अनुसार पूर्व निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। बुरहानपुर में संगीत साधना संस्था द्वारा आज यानी 13 नवंबर को शाम 7 बजे संगीत साधना संस्था शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यालय रेणुका माता रोड गायत्री मंदिर के पास कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बुधनी और विजयपुर विधानसभा सीटों पर आज यानी 13 नवंबर को मतदान होने हैं। बता दें कि दोनों विधानसभा सीटों पर कुल 5.22 लाख मतदाता अपना कीमती वोट डालेंगे। अल्मोड़ा में राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ अल्मोड़ा की मासिक बैठक आज यानी 13 नवंबर संघ के कार्यालय में संपन्न होगी। बता दें कि समन्वयक डॉक्टर बीएस राणा ने बताया कि बैठक में दिव्यांगों की समस्या पर चर्चा की जाएगी। सीकर के वेटनरी विश्वविद्यालय के संगठक एवं संबद्ध वेटनरी कॉलेजों में बीवीएससी एंड एएच डिग्री पाठ्यक्रम में अभी भी 32 सीटें रिक्त हैं। बता दें कि इन सीटों को अब ऑफलाइन काउंसलिंग के जरिए भरा जाएगा। विश्वविद्यालय की ओर से द्वितीय ऑफलाइन काउंसलिंग आज यानी 13 नवंबर को वेटनरी कॉलेज में होगी। पटना विश्वविद्यालय में सिंडिकेट की बैठक आज यानी 13 नवंबर को आयोजित की जाएगी। बता दें कि जिन शिक्षकों की नियुक्ति हुई है उन्हें बैठक में स्वीकृति प्रदान की जाएगी, वहीं नई नियुक्तियों के लिए भी स्वीकृति दी जाएगी। मौसम विभाग के अनुसार आज से 17 नवंबर के बीच पंजाब और हिमाचल प्रदेश में सुबह शाम घना कोहरा छाएगा। बता दें कि पंजाब के पश्चिम जोन में अलग अलग हिस्सों में रात सुबह के समय घने से बहुत घने कोहरे की स्थिति बने रहने की संभावना है। वक्त हो चला है आज के इतिहास का, तो आइए जानते हैं आज का दिन क्यों है कुछ खास। आज ही के दिन सन 1918 में ऑस्ट्रिया गणराज्य बना था। आज ही के दिन 1968 में पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो को गिरफ्तार किया गया था। आज ही के दिन सन 1968 में हिंदी फिल्म अभिनेत्री जूही चावला का जन्म हुआ था। आज ही के दिन 1997 में सुरक्षा परिषद ने इराक पर यात्रा प्रतिबंध लगाया था। आज ही के दिन सन 2010 में भारतीय फिल्म निर्माता डीवीएस राजू का निधन हुआ था। फिलहाल के लिए मॉर्निंग न्यूज में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।